हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसानों का जानी दुश्मन है जो है जंगली जानवर, जिसे अपन रोजड़े बोलते हैं, यानी कि फसल को बर्बाद करने में तत्पर रहते हैं। अगर अपन कितनी मेहनत करके उस फसल को तैयार करते हैं, वो एक रात में यानी कि पूरा चट कर जाते हैं या फिर बिगड़ा करके जाते हैं। तो इसका एक ही समाधान है कि आप खेत के चारों ओर तारबंदी कर दे। अब ये जो तारबंदी यानी कि अपन मार्केट में जाके बोलते हैं कि ये तारबंदी क्या भाव, बोलते हैं कि 100 रुपये किलो है या 90 रुपये किलो है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप खुद इसका बिजनेस कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो मैं लेके आया हूँ आज चैन लिंक जाली कैसे बनती है, वो मशीन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, कीमत क्या है और खर्चा कितना होता है पूरा ऑल ओवर इस प्लांट का। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपका भी स्वागत है हमारी कंपनी एसके इंडस्ट्री में। जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम है भारती, हमारी कंपनी का नाम है एसके इंडस्ट्री, जो कि भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, रेलवे स्टेशन से मैच 5 मिनट का रास्ता है। जी, आज आप क्या दिखाने वाले हैं? सर, आज हम फेंसिंग तार बनाने की मशीन लेकर आए। इसके अंदर हम इस वीडियो में पूरी प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से फेंसिंग तार बन करके तैयार होती है। इसके रॉ मटेरियल के बारे में भी हम पूरा गाइड करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, तो आज अभी देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये इतनी बड़ी ये पूरी मशीन है, तो इसको मतलब कैसे ऑपरेट किया जाता है, पहले तो ये बात कर लेते हैं अपन। जी सर, इसका पूरा सिंपल प्रोसेस है। मशीन घर की सिंगल फेस लाइट से ऑपरेट होती है। यहाँ पर इसका रॉ मटेरियल लगाना होता है, वायर होता है, वायर आपके आसपास के क्षेत्र में मिल जाएगा और आप हमारी कंपनी से भी ले सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से ये कट लगेंगे और यहाँ से ये तार बन करके रेडी होगी। यहाँ से जो तार आ रहे हैं, तब ये तो क्या एक एक तार आ रहे हैं जी, तो इसको वापस जो चैन बनती है वो कैसे बनाते हैं? सर, चेन अगर मैनुअल तौर से हाथ से बनाना चाहे तो हाथ से भी बन जाएगी और इसकी जो अगली मशीन आती है वो उसका पूरा प्रोसेस करके तैयार हो जाता है उससे। अच्छा, इसकी यानी कि ऑटोमेटिक मशीन भी आती है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है वो सिंगल फेस में चाहिए या 3 फेस में? सर, 3 फेस से भी हो जाती है और घर की सिंगल फेस लाइट से भी ऑपरेट हो जाती है, दोनों ही ऑप्शन है। यानी कि घर की जो लाइट है वो हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल। इसमें मोटर की बात करते हैं तो कितने एचपी की मोटर लगी हुई है? सर, इसमें 5 एचपी की मोटर लगी हुई है। घर के सिंगल फेस लाइट से चलाना चाहे तो सिंगल फेस से भी चल जाएगी, 3 फेस से भी चल जाएगी। अच्छा जी, अब बात आती है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से खरीदना पड़ता है? सर, रॉ मटेरियल उनके आसपास के क्षेत्र में भी अवेलेबल हो जाता है। कोई हमारी कंपनी से लेना चाहता है दूर, अगर वो कहीं और नहीं जाना चाहते तो हमारी कंपनी में भी मिल जाएगा। हर तरीके रॉ मटेरियल हमारी कंपनी उपलब्ध कराती है। अच्छा, तो एक एवरेज अगर अपन माने कि मतलब जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने वो बंडल लगा रखा है जी, तो ये एक बंडल मतलब कितने वेट का आता है और कितना खर्चा आता है? सर, इस केजी के हिसाब से हम बात करते हैं क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो केजी के हिसाब से मिलता है। अच्छा, तो 70 से 80 रुपये केजी के हिसाब से मिलेगा, जो भी आज की डेट होगी उस टाइप से, जैसे अभी तो 95 केजी के हिसाब से चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा रेट हैवी है, घटता बढ़ता रहता है मार्केट में प्राइस इसका। जी अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया तो अब माइंड में चलता है कि
पर डे कितना प्रोडक्शन कर देती है? सर इस मशीन के द्वारा पर डे 700 से 800 केजी माल बना करके तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद में जो यानी कि प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो उसको सेल करते हैं, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या रहती है? सर मार्केट वैल्यू तो जो भी उनके यहाँ पर रेट चल रहा होगा, मतलब एक केजी पर मुनाफा लेकर चलो 5 से 7 रुपए का एक केजी पर मुनाफा हो जाएगा सब कुछ खर्चा निकालने के बाद। जो चैन लिंक जाली होती है उसको लगाने के बाद एक कांटेदार तार वो लगाया जाता है जिससे यानी कि जो जंगली जानवर है उससे और सेफ्टी बढ़ जाए, तो उसके लिए कौन सी मशीन है? सर उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट मशीन है ये कटीले तार बनाने की मशीन है। आप देखते हैं खेतों में बाउंड्री के लिए जिन तारों का उपयोग किया जाता है वो इन मशीनों के द्वारा बन करके तैयार होती है। अच्छा, तो इसमें कैसे मतलब प्रोसेस होती है? सर इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर इसके वायर लगे हुए हैं, तार लगी हुई है, ये 4 पार्ट्स में क्लिक है, क्लिक होने के बाद। अच्छा, 4 पार्ट्स में होता है। हाँ, क्लिक होने के बाद यहाँ से इसका पूरा प्रोसेस होगा और ये बंडल लगे हुए हैं, यहाँ से ये तार बन करके रेडी होगी कटीले तार। अच्छा। और इसका पूरा बंडल यहाँ पर सेट हो जाता है। अच्छा, यानी कि पूरा बंडल भी ऑटोमेटिक हो जाता है तैयार? जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू क्या रहती है? सर इसकी मार्केट वैल्यू भी दोनों की सेम है। अच्छा, तो अब बात आती है कि अगर कोई इस मशीन को खरीदना चाहता है तो आप किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं? सर अगर कोई हमारे यहाँ से मशीन खरीदेगा तो हमारी कंपनी भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर है, हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं, हम उनको यहाँ पर डेमो करके दिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग अपने इस क्षेत्र में रोजगार कर सके, रोजगार के लिए हमारा काम है प्रेरित करना। अब इसकी अगर कीमत की बात करते हैं तो ऑल ओवर यानी कि अगर कोई भी प्लांट लगाना चाहता है तो कितना खर्चा आता है रॉ मटेरियल समेत? सर अगर हम पहले मशीन की प्राइस की बात कर लेते हैं, इस मशीन की जो प्राइस है वो 2,35,000 की मशीन है और जो फेंसिंग तार की मशीन मैंने बताई थी वो 95,000 की मशीन है, जीएसटी ट्रांसफर दोनों में एक्स्ट्रा है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो 1.5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मान लो, मतलब 3.5 लाख रुपए के अंदर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गई, पूरा हो गया। अच्छा, एक और माइंड में आता है कि इस मशीन को लगाने के लिए और पूरा प्लांट लगाने के लिए मजदूर कितने चाहिए और जगह कितनी चाहिए? सर जगह तो आप देख लो गांव में स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हम लेबर की बात करें तो महज 2 लेबर की आवश्यकता रहती है, एक जो माल बनाएगा दूसरा मार्केट में सेल करेगा। अगर ज्यादा लगाना चाहते हैं तो ज्यादा भी लगा सकते हैं जिससे प्रोडक्शन कहीं अधिक होगा। अब कोई भी इस मशीन को खरीदना है तो मतलब लाखों रुपए का इन्वेस्ट हो रहा है। जी सर। तो उसके माइंड में रहता है कि कोई इस पर वारंटी गारंटी भी मिल जाए, तो कितनी वारंटी मिलती है इसमें? सर मशीन की 1 ईयर की वारंटी होती है, मशीन में तो कोई खराबी होती नहीं क्योंकि मशीन तो लोहे की बनी होती है। ठीक है। मेन अगर कभी खराबी आती है तो वो आती है मोटर के अंदर, मोटर चाहे तो वो हमारी कंपनी से ले सकते हैं, चाहे तो उनके क्षेत्र से भी ले सकते हैं। चलो, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना दूर से यहाँ पर आए और अपने व्यूअर्स को जानकारी दिए। जी, जय सियाराम। जय सियाराम। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ में अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं किसान टीवी पेज पर, तो आप पेज को फॉलो करें और साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।